सिनेमा के पुराने दौर में दो अभिनेताओं का सिक्का चला करता था। 60 का दशक हो या 70 का या फिर 80 का, ये दोनों सितारे उन दिनों बॉलीवुड के बेताज बादशाह हुआ करते थे। मार खाने से बॉडी बनता है, ये देख, देख। सचिरे मस्त लोखन का बॉडी है मेरे यार का, मस्त मेरे मस्त थे। हम बात कर रहे हैं दो जिगरी दोस्तों विनोद खन्ना और फिरोज खान की। दोनों स्टार्स के लिए दीवानगी ऐसी हुआ करती कि इनकी नई फिल्म आते ही लोग सिनेमा घरों में लाइन लगाए रखते। अगर क्या आपको खबर है कि इन दोनों महान अदाकारों का अंत कितना दर्दनाक हुआ, चलिए आज हम आपको बताते हैं दोनों बॉलीवुड में कैसे पहुंचे और दोनों की दर्दनाक मौत से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। बॉलीवुड में अगर दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो सबसे ऊपर दो ही नाम आते हैं, विनोद खन्ना और फिरोज खान। ऐसे जिगरी दोस्त जिनकी मौत ने भी दोस्ती निभाई। सबसे पहले बात करते हैं विनोद खन्ना की। वो स्टार जिसने संन्यास न लिया होता तो राजेश खन्ना के बाद अगला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ही विनोद खन्ना होते। 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में है। अगले ही साल बंटवारा हुआ तो पिता किशन चंद खन्ना पत्नी कमला खन्ना और विनोद को लेकर भारत चले आए और बंबई में ही आकर बस गए। शुरुआती पढ़ाई नासिक के बोर्डिंग स्कूल में हुई, फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब सुनिए विनोद के बॉलीवुड में पहुंचने का रोचक किस्सा। बात उन दिनों की है जो विनोद खन्ना 18-19 साल के थे। पिता का लंबा चौड़ा टेक्सटाइल और केमिकल का बिजनेस था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में कॉलेज में पढ़ते थे और हर हफ्ते अपने दोस्तों के साथ पार्टीज किया करते थे। उनकी दोस्त हुआ करती थी अंजू महेंद्रू, जिनकी फिल्मी हस्तियों से भी काफी अच्छी जान पहचान थी। एक बार अंजू ने एक पार्टी दी और युवा लड़कों के साथ ही सुनील दत्त को पार्टी में बुला लिया। सुनील को युवा लड़कों की पार्टी में आने का बड़ा शौक था, उन्हें बड़ी दिलचस्पी हुआ करती थी। वो पार्टी में पहुंच गए और यहीं पर पहली बार उन्होंने विनोद खन्ना को देखा। इतने हैंडसम कि सुनील दत्त पास गए और बोले, मेरी फिल्म में हीरो बनोगे? सुनील का ऑफर मिला तो विनोद ने पूछा, कहानी क्या है? दत्त साहब बोले, दो हीरो की फिल्म है, एक लीड रोल तुमको देता हूँ, दूसरा किरदार मेरा भाई करेगा। असल में सुनील दत्त का एक सगा भाई था सोम दत्त, वो फिल्म प्रोडक्शन में उनका असिस्टेंट था। बाद में सोम दत्त भी हीरो बनने की जिद कर बैठा। सोम दत्त को लॉन्च करने की तैयारी सुनील दत्त कर रहे थे। विनोद ने हाँ तो बोल दी, मगर नसीब देखिए, वो दो हीरो वाली स्क्रिप्ट सुनील दत्त से कहीं खो गई। अब वो किसी दूसरे स्क्रिप्ट को तलाशने लगे तो उनको एक ऐसी कहानी वाली स्क्रिप्ट मिली जिसमें एक हीरो होता है जबकि दूसरा हीरो का रोल सेमी नेगेटिव होता है। सुनील दत्त ने सेमी नेगेटिव रोल वाले किरदार की बात विनोद को बताई तो उन्होंने हाँ बोल दिया। इसके बाद विनोद पहुंचे पिता के पास, बोले, मैं हीरो बनने जा रहा हूँ, करोड़ों का लंबा चौड़ा खानदानी बिजनेस छोड़कर बेटा एक्टर बनेगा। ये सुनते ही पिता का पारा चढ़ गया और घर में हड़कंप मच गया। पापा ने पहले तो साफ मना कर दिया, मगर बेटे की जिद देखकर पिता ने एक शर्त पर मौका दिया कि फिल्म नहीं चली तो सिनेमा का नाम नहीं लेंगे। इस मौका मिलते ही विनोद खन्ना ने शूटिंग शुरू कर दी। 1968 में फिल्म आई मन का मीत। हैरानी की बात है कि फिल्म का हीरो सोमदत्त नहीं चला, लेकिन नेगेटिव रोल में विनोद खन्ना छा गए। इसके बाद तो उनके पास ऑफरों की झड़ी लग गई। सबसे खास बात थी कि वो पहले अभिनेता थे जिनको विलन और हीरो दोनों के किरदारों में फिल्में मिलने लगी। खासकर इंस्पेक्टर के किरदार उनको खूब मिला करते। जैसे 1970 में मस्ताना और सच्चा झूठा हो या 1971 में आई जाने अनजाने, मगर जिस फिल्म ने उनके करियर को सबसे बड़ा उछाल दिया वो 1971 में आई थी। डायरेक्टर राज खोसला धर्मेंद्र के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें डाकू के किरदार में कोई ऐसा अभिनेता चाहिए था जो धर्मेंद्र को टक्कर दे सके। खोसला साहब की नजर एक बार विनोद खन्ना पर पड़ी और उनको धर्मेंद्र के मुकाबले वही समझ आए। बस विनोद को खतरनाक डाकू का रोल मिल गया। फिल्म आई मेरा गाँव मेरा देश। डाकू जब्बार सिंह के रोल में विनोद खन्ना ऐसे छा गए कि लोग फिल्म के हीरो धर्मेंद्र तक को भूल गए। कभी विनोद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 70 के दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी ने पूरे बॉलीवुड में कोहराम मचा दिया था। हेरा फेरी, परवरिश, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों में तहलका मचाते हुए वो दोनों नजर आए। अब बात करते हैं दूसरे सदाबहार अभिनेता जो थे फिरोज खान।
वो एक्टर जो हॉलीवुड के कल्चर को बॉलीवुड तक लेकर आ गया था। सितंबर 1939 को बैंगलोर में पैदा हुए फिरोज माँ फातिमा ईरानी और पिता सादिक अली अफगानी थे। वैसे फिरोज का असली नाम जुल्फिकार अली शाह खान था। वैसे तो ये पांच भाई थे लेकिन तीन भाई फिल्मों से जुड़ गए इसलिए ये भी मशहूर हो गए। सबसे बड़े फिरोज, फिर संजय और सबसे छोटे अकबर खान। पिता का घोड़ों को कारोबार था, फिरोज को घुड़सवारी का शौक था, बस पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। दिन भर घोड़े की सवारी किया करते, पढ़ाई में इतने नालायक कि उनको स्कूल वाले ही निकाल दिया करते। तीन तीन बार उनको स्कूल बदलना पड़ा और इस वजह से सारे भाइयों में सबसे ज़्यादा डांट उनको ही पड़ती। बस एक ही शौक था, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखने का। एक्टर अशोक कुमार को पहली बार बड़े पर्दे पर फिल्मों में देखा तो भाई देखते ही हैरान रह गए। फिल्म थी किस्मत। बस इस दिन से उनके दीवाने हो गए और थोड़े बड़े हुए तो ठान लिया कि अब हीरो ही बनना है। 1956 के आसपास की बात है, 17-18 साल के रहे होंगे। पढ़ाई खत्म कर सीधा निकल गए बंबई हीरो बनने, मगर वहां ऐसे धक्के खाए कि थक कर वापस लौट आए। एक बार फिर हिम्मत कर बंबई आए, खूब काम तलाश किया लेकिन किसी ने मौका नहीं दिया। फिर कुछ महीनों के बाद जब तीसरी बार माया नगरी पहुंचे तब एक दो छोटे मोटे किरदार तो मिले लेकिन कब आए कब गए वाले। फिर एक दिन किस्मत खुल गई। डायरेक्टर के नारायण काले सुनील दत्त के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे, उसमें उनके दोस्त का एक रोल था। फिरोज उनसे मिलने पहुंचे तो काले जी को वो पसंद आ गए, उन्होंने वो रोल फिर उनको दे दिया। 1959 में फिल्म आई दीदी। ये फिरोज की पहली फिल्म थी लेकिन उनकी पहचान इस फिल्म से नहीं बल्कि दूसरी फिल्म से बनी जो उनकी पहली सोशल फिल्म मानी जाती है। इतना जिंदा दिल अभिनेता कैंसर के दर्द की वजह से तड़पता रहा। आखिरी समय में कैंसर ने उनकी हालत इतनी खराब कर दी कि लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये वही फिरोज है जो एक वक्त पर काफी यंग और डैशिंग दिखते थे। 27 अप्रैल 2009 के दिन कैंसर से इस महान एक्टर की जिंदगी चली गई। हैरानी इस बात की है कि विनोद खन्ना और फिरोज खान दोनों की ही मौत की तारीख एक ही थी, 27 अप्रैल। इतना ही नहीं, कैंसर ने ही दोनों की जिंदगी खत्म कर दी थी। पर दोस्तों आपको बता दें कि विनोद खन्ना और फिरोज खान की ये दोस्ती सालों साल की रही है। आज भी उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। दोनों को आज भी इंडस्ट्री में उनके काम के लिए जाना जाता है और उनकी जमकर तारीफें भी की जाती हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि विनोद खन्ना और फिरोज खान की दोस्ती पर आपका क्या कहना है। साथ ही साथ इन दोनों ही अभिनेताओं की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा फिल्म है।